स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन ESG घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। बी. पर्यटन को बढ़ावा देना। सी. नए गांव बनाएं। डी. वन क्षेत्र बढ़ाना। आंसर ए. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। एक्सप्लेनेशन: सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1.84 लाख हेक्टेयर को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESG घोषित किया है। लक्ष्य सतत विकास की अनुमति देते हुए गिर में एशियाई शेरों की रक्षा करना है, जो उनका एकमात्र प्राकृतिक घर है। अगला प्रश्न। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए. 37वां, बी. 39वां, सी. 41वां, डी. 43वां। आंसर बी. 39वां। एक्सप्लेनेशन: ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2024 में भारत ने कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। भारत को 38.3 पॉइंट हासिल हुए। भारत ने इस इंडेक्स में बीते साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। बीते साल 38.1 पॉइंट के साथ देश 40वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत केंद्रीय और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं के चार्ट में टॉप पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और UK हैं। अगला प्रश्न। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? ए. नोंगपो काकचिन, बी. खोंगजोम गांव, सी. उखरुल गांव, डी. एनरो विलेज। आंसर डी. एनरो विलेज। एक्सप्लेनेशन: पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एनरो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। एनरो विलेज को उसकी प्राचीन अग्नि पूजा परंपरा और ऐतिहासिक मंदिर सहित उसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत के लिए चुना गया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्थानीय समुदाय इस विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन में संलग्न होने, ग्रामीणों के लिए आय और रोजगार पैदा करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला प्रश्न। आईफा अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? ए. शाहरुख खान, बी. विकी कौशल, सी. रणबीर कपूर, डी. राजकुमार राव। आंसर ए. शाहरुख खान। एक्सप्लेनेशन: आईफा अवार्ड 2024 इस वर्ष अबू धाबी में आयोजित किया गया। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। शाहरुख ने AR रहमान और मणिरत्नम से पुरस्कार स्वीकार किया। वही बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए जीता। अगला प्रश्न। शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए. पाकिस्तान, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। आंसर डी. बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन: बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन चेन्नई टेस्ट में दोनों ही पारी में विकेट हासिल करने में नाकाम रहे थे। बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। T20 क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके इस धुरंधर ने भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट से पहले अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर अक्टूबर में खेली जाने वाली सीरीज करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? ए. मिथुन चक्रवर्ती, बी. कमल हासन, सी. अमिताभ बच्चन, डी. रजनीकांत। आंसर ए. मिथुन चक्रवर्ती। एक्सप्लेनेशन: महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? ए. युवराज सिंह, बी. प्रज्ञान ओझा, सी. रविंद्र जडेजा, डी. बिशन सिंह बेदी। आंसर सी. रविंद्र जडेजा। एक्सप्लेनेशन: रविंद्र जडेजा ने कानपुर टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश के खालिद अहमद को आउट किया। वे भारत की ओर से 300 विकेट पूरा करने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए। रविंद्र जडेजा से पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 266 विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी थे। एशिया की बात करें तो रविंद्र जडेजा टेस्ट में 300 विकेट के साथ साथ 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 30 जनवरी, बी. 5 जून, सी. 15 अगस्त, डी. 2 अक्टूबर। आंसर
दी 2 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म की तिथि है। इस वर्ष बापू की 155वीं जयंती है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 15 जून 2007 को सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज काजिन हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ए कजाकिस्तान, बी इजराइल, सी सिंगापुर, डी रूस। आंसर ए कजाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज काजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास काजिन का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोट ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ए क्रूज जलविहार मिशन, बी क्रूज जलसंधि मिशन, सी क्रूज भारत मिशन, डी कलश मिशन। आंसर सी क्रूज भारत मिशन। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाने वाले हरिकेन का नाम क्या है? ए हरिकेन हेलेन, बी हरिकेन अर्नेस्टो, सी हरिकेन बेबी, डी हरिकेन बेरिल। आंसर ए हरिकेन हेलेन। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन हेलेन के कहर से 93 लोगों की मौत हो गई है। हरिकेन हेलेन एक बड़ा तेज गति से चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये फ्लोरिडा के बिग बेन क्षेत्र में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था। ये 2024 के अटलांटिक हरिकेन के मौसम का 5वां हरिकेन है। अगला प्रश्न, बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता कौन था? ए आयतुल्लाह खामेनेई, बी बशर अल असद, सी महमूद अब्बास, डी हसन नसरुल्लाह। आंसर डी हसन नसरुल्लाह। एक्सप्लेनेशन, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह 28 सितंबर 2024 को बेरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। नसरुल्लाह, जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक ईरान समर्थित आतंकवादी समूह का नेतृत्व किया था, मध्य पूर्वी राजनीति और संघर्षों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, सरकार ने जीडीपी गणना के लिए नए आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष का प्रस्ताव रखा? ए 2020-21, बी 2021-22, सी 2022-23, डी 2023-24। आंसर सी 2022-23। एक्सप्लेनेशन, सरकार ने जीडीपी गणना के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है। सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में 2022-23 के नए आधार वर्ष के साथ जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद प्रकाशित करेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित कारखाना उत्पादन वृद्धि के लिए भी आधार वर्ष बदला जाएगा। वर्तमान में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देशी गाय को राज्य माता घोषित किया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी केरल। आंसर बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राज्य माता घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने देशी गायों को राज्य माता की उपाधि दी। इससे गायों के कल्याण में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपए की सब्सिडी योजना की भी घोषणा की। इस पहल को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी केरल। आंसर बी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिकी अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के लिए व्यापक दिशा निर्देशों के तहत पर्यटन विभाग ने इस उद्देश्य के लिए छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटा है और छात्रों की संख्या और अवधि के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए धन का आवंटन किया है। नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है?
ए वाइल्ड इंडिया फिल्म फेस्टिवल, बी इको वर्ल्ड फिल्म फेस्ट, सी हरित पृथ्वी महोत्सव, डी वातावरण। आंसर डी वातावरण। एक्सप्लेनेशन: पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण भवन नई दिल्ली में किया गया। 3 दिवसीय फिल्म समारोह का विषय वेटलैंड्स फॉर लाइफ है, जो आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की जागरूकता और संरक्षण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? ए 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर बी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एक्सप्लेनेशन: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 27 सितंबर 2024 तक भंडार बढ़कर 704.885 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी असेट का बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनमें यूरो, पौंड और येन जैसे नॉन अमेरिकी करेंसी में बदलाव को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न: भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? ए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन, बी तिलहन और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन, सी राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, डी सतत कृषि मिशन। आंसर ए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन। एक्सप्लेनेशन: 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO ऑल सीड्स को मंजूरी दी। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न: बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नागपुर, बी पुणे, सी पोहरा देवी, डी मुंबई। आंसर सी पोहरा देवी। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोहरा देवी महाराष्ट्र स्थित बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले सभी लोगों से संग्रहालय देखने का आग्रह किया। 5 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर के बारे में है। पोहरा देवी महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न: वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया? ए लंदन, बी दुबई, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। आंसर बी दुबई। एक्सप्लेनेशन: वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरोल ग्रीडर, बी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन, सी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, डी पॉल नज और टिम हंट। आंसर बी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन। एक्सप्लेनेशन: 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन को माइक्रोआरएनए की खोज और कॉस ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न: पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। आंसर सी झारखंड। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। अगला प्रश्न: हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी असम। आंसर डी असम। एक्सप्लेनेशन: असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान की जा रही है।
उच्च माध्यमिक के लिए 1,000 रुपए, डिग्री के लिए 1,250 रुपए और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2,500 रुपए की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई। अगला प्रश्न, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? ए योगी आदित्यनाथ, बी केशव प्रसाद मौर्य, सी आनंदीबेन पटेल, डी नरेंद्र मोदी। आंसर ए योगी आदित्यनाथ। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन, सी एलन ट्यूरिंग और रिचर्ड फाइनमैन, डी पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी। आंसर बी जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन। एक्सप्लेनेशन, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन को प्रदान किया गया, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। इस सम्मान के साथ उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, लगभग 8.3 करोड़ रुपए की नकद राशि भी प्रदान की गई है। भारत ने किस बीमारी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? ए टीबी, बी तपेदिक, सी ट्रेकोमा, डी मलेरिया। आंसर सी ट्रेकोमा। एक्सप्लेनेशन, भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को द्वारा घोषित इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। यह एक संक्रामक बीमारी है जिसका अगर तय समय पर उपचार न किया जाए तो यह अंधा भी कर सकती है। प्लेग, कुष्ठ रोग और पोलियो के बाद भारत ट्रेकोमा को भी देश से पूरी तरह से खत्म करने में सफल रहा है। इस उपलब्धि पर WHO में भी भारत की तारीफ करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ए रोजर पेनरोज, रेनहॉर्ड जेनेजेल और एंड्रिया गेज, बी डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस, सी फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर, डी जेनिफर डूडना और इमैनुएल चारपेंटियर। आंसर बी डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस। एक्सप्लेनेशन, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को प्रोटीन संरचना अनुसंधान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तकनीक का उपयोग प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन बनाने में किया जाता है। नए प्रकार के प्रोटीन दवाइयों और वैक्सीन के विकास में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए हारुकी मुराकामी, बी ओरहान पामुक, सी मार्गरेट एटवुड, डी हान कान। आंसर डी हान कान। एक्सप्लेनेशन, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कान को उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, किसे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? ए सनत जयसूर्या, बी महिला जयवर्धने, सी राहुल द्रविड़, डी अजय जडेजा। आंसर ए सनत जयसूर्या। एक्सप्लेनेशन, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ ही है। वह टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुड़े हुए थे। वह इस पद पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। अगला प्रश्न, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? ए कोलंबो, बी मुंबई, सी लाओ, डी मनीला। आंसर सी लाओ। एक्सप्लेनेशन, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आयोजित किया गया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आसियान नेताओं के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग की भविष्य की दिशा तय करने के लिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री की इस शिखर सम्मेलन में ये 11वीं भागीदारी थी। 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का नाम क्या है? ए मेमोरियल, बी निहोन हिदानिक्यो, सी ग्रीन पीस, डी संयुक्त राष्ट्र।
आंसर बी निहोन हिडानिक्यो। एक्सप्लेनेशन 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों हिबाकुशा का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिडानिक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संगठन दुनिया को विनाशकारी हथियारों से मुक्त कराने के प्रयास में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए नटराजन चंद्रशेखरन, बी राजेश गोपीनाथ, सी साइरस मिस्त्री, डी नोएल टाटा। आंसर डी नोएल टाटा। एक्सप्लेनेशन 9 अक्टूबर 2024 को अपने सौतेले भाई रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के बारे में कहा कि वे रतन टाटा और टाटा ग्रुप के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। नोएल टाटा ने कहा कि वह अपने साथी ट्रस्टियों द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी से बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अक्टूबर, बी 11 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर, डी 30 अक्टूबर। आंसर बी 11 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 में इस दिन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की अध्यक्ष पीटी उषा इस सिलसिले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। कार्यक्रम को आयोग महासभा से मंजूरी मिलनी बाकी है जिसकी बैठक 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ए कैमूर, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। आंसर ए कैमूर। एक्सप्लेनेशन केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण में सुधार करना है। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किमी है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप कौन शपथ ली? ए महबूबा मुफ्ती, बी उमर अब्दुल्ला, सी फारूक अब्दुल्ला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी उमर अब्दुल्ला। एक्सप्लेनेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। नई सरकार का गठन जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद हुआ है, जो 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। उमर के साथ सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद दार, सकीना एटू, जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न, किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी एंडी मरे, डी कार्लोस अल्कारेज। आंसर बी राफेल नडाल। एक्सप्लेनेशन स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही वह करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी है। नडाल ने अपने करियर में 92 ATP एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी इंग्लैंड। आंसर ए भारत। एक्सप्लेनेशन भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। संजू सैमसन के पहले T20 शतक की बदौलत टीम ने 297/6 का विशाल स्कोर बनाया, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 14वां। आंसर डी 14वां। एक्सप्लेनेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे ये भारत सरकार से यह प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE बन गया है।
यह मील का पत्थर HAL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। अगला प्रश्न, ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? ए चिराग पासवान, बी एकनाथ शिंदे, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। आंसर, डी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ए डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, बी डेविड कार्ड, जोशुआ एंड्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, सी अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, डी पॉल रोमर, विलियम नॉर्डहॉर्स। आंसर, ए डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। एक्सप्लेनेशन, 14 अक्टूबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस विक्सबैंक पुरस्कार डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया कि संस्थान कैसे बनते हैं और देश की समृद्धि पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। अगला प्रश्न, 2025-26 के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली? ए मसूर, बी रैपसीड और सरसों, सी चना, डी गेहूं। आंसर, बी रैपसीड और सरसों। एक्सप्लेनेशन, सबसे अधिक MSP वृद्धि रैपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए नया MSP 5,950 है तथा मसूर के लिए वृद्धि 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, जबकि गेहूं का नया MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है। अगला प्रश्न, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए हरमनप्रीत कौर, बी झूलन गोस्वामी, सी मिताली राज, डी नीतू डेविड। आंसर, डी नीतू डेविड। एक्सप्लेनेशन, ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज अलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज ABD विलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम का उद्देश्य क्रिकेट के इतिहास में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी KL राहुल, डी ऋषभ पंत। आंसर, बी विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ M चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे पहले मैच में 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। हालांकि इनमें से कोहली 197 पारी के हिसाब से इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे स्लो बल्लेबाज रहे। अगला प्रश्न, किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? ए कृति सैनन, बी विराट कोहली, सी रश्मिका मंदाना, डी अनुष्का शर्मा। आंसर, सी रश्मिका मंदाना। एक्सप्लेनेशन, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IRC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। बता दें कि रश्मिका पिछले साल एक डीपफेक वीडियो का शिकार भी हुई थी। इसकी मदद से डीपफेक, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार और किस सोशल मीडिया द्वारा घोटाले से बचाओ अभियान शुरू किया गया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी IBM, सी गूगल, डी मेटा। आंसर, डी मेटा। एक्सप्लेनेशन, सरकार और मेटा द्वारा घोटालों से बचाओ अभियान शुरू किया गया है। ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है। मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY, गृह मंत्रालय MHA, सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IRC के सहयोग से शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डी ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेनेशन, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली प्रजातियां पाई गई हैं। 27 से 29 सितंबर तक पहली बार तितली संरक्षण बैठक 2024 आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 40 तितली प्रेमियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला? ए अनुराग कश्यप, बी राजकुमार हिरानी, सी अक्षय कुमार, डी यश चोपड़ा। आंसर बी राजकुमार हिरानी। एक्सप्लेनेशन, लोकप्रिय फिल्म निर्माता एवं निर्देशक राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश के खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजकुमार हिरानी को ये पुरस्कार दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने राजकुमार हिरानी को शॉल श्रीफल और 5 लाख रुपए का चेक सम्मान स्वरूप प्रदान किया। ये पुरस्कार उन्हें पटकथा लेखन के लिए दिया गया है। बता दें कि किशोर कुमार सम्मान पाने वाले राजकुमार हिरानी 27वें शख्स हैं। अगला प्रश्न, झारखंड नया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ए 1,500 रुपए, बी 2,000 रुपए, सी 2,500 रुपए, डी 3,500 रुपए। आंसर सी 2,500 रुपए। एक्सप्लेनेशन, झारखंड सरकार ने नया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। झारखंड नया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। ये दिसंबर 2024 से योजना के 50 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना से राज्य के बजट पर 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। आंसर डी 60। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण बुकिंग की नई समय सीमा 1 नवंबर से लागू होगी। इस कदम से रेल टिकटों में 4 महीने पहले खास तौर पर छुट्टियों के मौसम में पैसे फंसने से रोका जा सकेगा। अप्रैल 1981 के बाद से ये 13वीं बार होगा जब भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में ARP बुकिंग की समय सीमा में बदलाव किया है। चिकित्सा आपूर्ति के रूप में मानवीय सहायता भारत में किस देश को भेजी है? ए ब्राजील, बी इराक, सी लेबनन, डी चीन। आंसर सी लेबनन। एक्सप्लेनेशन, भारत ने 18 अक्टूबर को लेबनन को दवाइयों सहित 33 टन मानवीय सहायता भेजी। ये सहायता ऐसे समय में भेजी गई है जब इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रही है। इस खेप में विभिन्न प्रकार की दवाएं शामिल हैं, जिनमें हृदय संबंधी दवाएं, NSAID नॉन स्टेराइल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सूजन रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स दवाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ए कुलदीप यादव, बी टिम साउदी, सी जसप्रीत बुमराह, डी कगिसो रबादा। आंसर डी कगिसो रबादा। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबादा ने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कगिसो रबादा ने जब अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया तब उन्होंने 11,817 बॉल फेंकी थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था। उन्होंने 12,602 बॉल पर यह कारनामा किया था। अगला प्रश्न, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी असम। आंसर ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना की सुदर्शन कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास में लगभग 1,800 सैनिक 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है। अगला प्रश्न, सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना को कब तक बढ़ाया है? ए मार्च 2025, बी मार्च 2026, सी मार्च 2027, डी मार्च 2028। आंसर बी मार्च 2026।
एक्सप्लेनेशन, समर्थ वस्त्र मंत्रालय का एक मान संचालित और रोजगार उन्मुख वृहद कौशल कार्यक्रम है। समर्थ योजना को 3,00,000 लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2 साल वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए और बढ़ा दिया गया है। योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग को प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना है। अगला प्रश्न, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, बी बीजिंग चीन, सी कजान रूस, डी नई दिल्ली भारत। आंसर सी कजान रूस। एक्सप्लेनेशन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान रूस में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता उपस्थित थे। ब्रिक्स अब $60 ट्रिलियन की GDP और 37.4% वैश्विक सकल उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे G7 से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इस बढ़ते संगठन की भूमिका आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है और भारत की इसमें भागीदारी इसे और मजबूत कर रही है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए कोलंबिया, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी चीन। आंसर ए कोलंबिया। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 21 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में शुरू हो गया है, जहां लगभग 200 देश वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का आकलन करेंगे। हर 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने के लिए निवेश पर सहमत होना और वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों को मजबूती देना है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ए अम्फान, बी दाना, सी फानी, डी वायु। आंसर बी दाना। एक्सप्लेनेशन, बंगाल की खाड़ी में दाना नाम का भीषण चक्रवाती तूफान ताकतवर होता जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके 24-25 अक्टूबर की रात भितरकनिका और भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की उम्मीद है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार दाना का नाम कतर द्वारा सुझाया गया था। इसका अर्थ है सबसे सही आकार का, मूल्यवान और सुंदर मोती। अगला प्रश्न, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स 2024 ने लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA एक बहुदेशीय गठबंधन है, जिसका मकसद दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता और उनके आवासों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ए सिंधु जल संधि, बी लाहौर घोषणा, सी वाघा सीमा समझौता, डी श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। आंसर डी श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। एक्सप्लेनेशन, भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित मूल समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब की वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ए टोरंटो, बी मेलबर्न, सी ग्लासगो, डी लंदन। आंसर सी ग्लासगो। एक्सप्लेनेशन, खेलों का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेजबानी से पीछे हटने के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो को इसकी मेजबानी सौंपी गई थी। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है।